हेलो एवरीवन, मैं हूं अनवर और आज के सेशन में हम बात करेंगे ऑपरेटर प्रेसिडेंस की, जिसमें हम जानेंगे व्हाट इज़ ऑपरेटर प्रेसिडेंस एंड वर्किंग ऑफ ऑपरेटर प्रेसिडेंस, मतलब ऑपरेटर प्रेसिडेंस क्या होते हैं और ऑपरेटर प्रेसिडेंस एक्सप्रेशन पर कैसे वर्क करते हैं। सो गाइस, प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि आपके ऑपरेटर प्रेसिडेंस से रिलेटेड सारे डाउट क्लियर हो जाएं। और गाइस, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, ऑपरेटर प्रेसिडेंस। Operator precedence is a set of rules used to clarify which operations should be performed first in the given expression. मतलब operator precedence एक rules का set होता है जो यह clarify करता है कि दिए गए expression में कौन सा operator पहले perform होगा। मतलब operator precedence rules का एक set होता है जिसके द्वारा हम यह जानते हैं कि किसी दिए गए एक्सप्रेशन में हमें कौन से ऑपरेटर को पहले परफॉर्म करना है, मतलब किस ऑपरेटर पर पहले ऑपरेशन परफॉर्म करना है। इट स्पेसिफाइज विच ऑपरेटर विल बी इवैल्यूएटेड फर्स्ट, मतलब यह स्पेसिफाई करता है कि कौन सा ऑपरेटर पहले इवैल्यूएट होगा। मतलब ऑपरेटर प्रेसिडेंस यह स्पेसिफाई करता है कि किस ऑपरेटर पर पहले ऑपरेशन परफॉर्म होगा। माने जैसे हमारे पास एक एक्सप्रेशन है और उसमें कई सारे ऑपरेटर्स यूज़ हुए हैं, उसमें प्लस भी है, माइनस भी है, मल्टीप्लिकेशन भी है, डिवीज़न भी है। तो इस सिचुएशन में क्या होगा, यदि हमें उस एक्सप्रेशन को सॉल्व करना है तो उसके लिए हमें पहले ऑपरेटर प्रेसिडेंस का रूल फॉलो करना होता है। ऑपरेटर प्रेसिडेंस के रूल फॉलो करने से हमें पता चलता है कि किस ऑपरेटर पर पहले ऑपरेशन परफॉर्म करना, मतलब मल्टीप्लिकेशन पहले अप्लाई करना, डिवीज़न पहले अप्लाई करना, या एडिशन पहले अप्लाई करना, या सब्ट्रैक्शन पहले अप्लाई करना। तो चलिए दी गई टेबल की हेल्प से जानते हैं कि किस ऑपरेटर की प्रायोरिटी ज़्यादा है और किस ऑपरेटर की कम है। तो जैसे कि इस टेबल में दिए हुए हैं, तो जो ऑपरेटर सबसे ऊपर दिए हुए हैं उनकी प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा है और जो ऑपरेटर सबसे नीचे दिए हुए हैं उनकी प्रायोरिटी सबसे कम है। तो जैसे कि सबसे ऊपर दिया हुआ है पैरेंथेसिस, तो यदि किसी भी एक्सप्रेशन में पैरेंथेसिस है तो उसे हम पहले सॉल्व करेंगे, चाहे उन ऑपरेंड्स के बीच में माइनस का चिन्ह हो। उसके बाद दिया हुआ है एक्सपोनेंटेशन, यदि किसी एक्सप्रेशन में एक्सपोनेंटेशन है तो उसे हम पैरेंथेसिस के बाद में सॉल्व करेंगे। फिर दिया हुआ है यूनरी प्लस, यूनरी माइनस, बिटवाइज नोट, यदि यह कहीं पर है तो इन्हें सॉल्व करेंगे। फिर उसके बाद दिया हुआ है मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, फ्लोर डिवीज़न, मॉडल्स, यदि किसी एक्सप्रेशन में इन ये दिए हुए हैं तो इनमें सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी मल्टीप्लिकेशन की, उसके बाद डिवीज़न की, फिर फ्लोर डिवीज़न की, फिर मॉड्यूल्स की। और यदि कहीं पर एडिशन और सब्ट्रैक्शन के चिन्ह दिए हुए हैं तो वहाँ पर पहले एडिशन की प्रायोरिटी ज़्यादा, फिर सब्ट्रैक्शन की। तो ठीक इसी तरह से इन सभी ऑपरेटर्स को हम फॉलो करेंगे। लॉजिकल एंड की प्रायोरिटी सबसे कम है, यदि कहीं पर लॉजिकल एंड दिया हुआ है तो उसे हम सबको सॉल्व करने के बाद ही उसे सॉल्व करेंगे। तो चलिए ऑपरेटर प्रेसिडेंस को एक एग्जांपल के थ्रू जानते हैं। तो यहाँ पर एक्सप्रेशन दिया हुआ है 5 + 9 × 7 − 2 एक्सपोनेंटेशन 2। तो इस एक्सप्रेशन में सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी एक्सपोनेंटेशन की है, तो सबसे पहले हम एक्सपोनेंटेशन को सॉल्व करेंगे, यानी कि 2 की पावर 2 हो गई 4। तो नया एक्सप्रेशन बना 5 + 9 × 7 − 4। तो इस एक्सप्रेशन में सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी अब किसकी बची, मल्टीप्लिकेशन की। तो मल्टीप्लिकेशन किसके बीच में, 9 के और 7 के, तो 9 और 7 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 63। तो नया एक्सप्रेशन बनेगा 5 + 63 − 4। अब बचा प्लस और माइनस, तो प्लस और माइनस में सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी प्लस की है, तो इसलिए 63 और 5 को ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 68। तो नया एक्सप्रेशन बना 68 − 4। अब केवल एक ही ऑपरेटर बचा, तो इसलिए 68 में से 4 को सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो आंसर आएगा 64। तो उम्मीद है कि अब आप जान गए होंगे कि ऑपरेटर प्रेसिडेंस कैसे वर्क करता है। तो गाइस, मुझे उम्मीद है कि आप जान गए होंगे कि ऑपरेटर प्रेसिडेंस क्या है, और इसके अलावा आप जान गए होंगे कि किसी एक्सप्रेशन में ऑपरेटर प्रेसिडेंस के अकॉर्डिंग
ऑपरेशन कैसे परफॉर्म करते हैं। तो गाइज यदि आपको इनमें से किसी भी टॉपिक पर किसी भी तरह का कोई डाउट है तो कृपया कमेंट बॉक्स में हमसे अपना डाउट शेयर करें, हम जल्द से जल्द आपके डाउट को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। और गाइज यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे।